मैं तो आपसे बढ़कर हूँ, तेरे पास सिर्फ कबूतर है, मेरे पास भेड़ है, बकरिया है भाई। तेरी भेड़ क्या है, तेरी भेड़ क्या है। अभी सुबह का टाइम है तो आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सुबह है, क्योंकि दो चार दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाला तो कितना जो है मौसम बदल गया है। तो दो चार दिन पहले ऐसा लग रहा था कि अभी जो है विंटर ही चल रहा, लेकिन इन दो चार दिनों के अंदर मौसम बहार हमारी वादी नील के अंदर दाखिल हो गया, दस्तक दे दी हमारी वादी नील को मौसमी बहार ने। चलो बने रहे आज के खूबसूरत से व्लॉग में। तो दोस्तों फिलहाल जा रहा हूं मैं अपने पड़ोस के गांव को कैप्चर करने, वहां का व्यू पॉइंट कहां से है, उसको हम कहां से पूरे गांव को कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों अभी की लोकेशन कुछ इस जगह पे हमारी, तो यहां से हम कोशिश करेंगे, जो भी पड़ोस के गांव से देख रहा हो वो जान गया होगा कि ये लोकेशन कहां पे है, लेकिन अभी तक किसी को ख्याल नहीं आया होगा कि यहां से हम जो है पूरे सुरंगा को कैप्चर करें और लोगों के साथ शेयर करें। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. तो आप देख सकते हैं कितना जोखिम भरा काम है। तो भाई लोगों आज अकेला बंदा मैं व्लॉग को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जो है छोटा भाई मेरे साथ होता था जो कैमरा फोन पकड़ के होता था, तो वो आज स्कूल को गया क्योंकि पेपर उनका चल रहा है। पिछले वाले व्लॉग्स जो हैं वो उनमें आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी, और जो हमने ऊपर ट्रैक की हुई है वो चीज़ें हमने उसमें आपके साथ शेयर की हुई है। जो आप व्लॉग्स देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो दोस्तों ये कंटेंट क्रिएटर ही जानता है कि कैसे वो वीडियो शूट करता है और कितनी मेहनत लगती है, और बाकी जो आस पास के रिश्तेदार है और उनके ताने सुनने पड़ते हैं, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो इसलिए आप यार आप लोग सब्सक्राइब कर दो, कम से कम आप ही सपोर्ट करो यार। तो चलो बने रहे, अभी तो व्लॉग की शुरुआत है। तो मैं आया अभी खेलस आसिफ साहब के साथ, क्योंकि यहाँ गायों को पानी देना था, भेड़ बाहर निकालने थे, गायें चरानी थी। तो अभी नहीं दिखाएंगे, वो बाद में दिखाएंगे, क्योंकि उनको हमने थोड़ा ऊपर भेजा है चरने के लिए, घास चरने के लिए। तो यह अभी इसने टब लाया, मुझे लग रहा है इसमें नहाएगा ये कि गायों के लिए पानी निकालेगा, ये पता नहीं है। यहाँ ये है मोहर कुल पत्नी, और इसकी हैट देखिए आप, आसिफ साहब अपनी हैट दिखाएगा। अगर हैट नहीं देखी तो फिर आप लोगों ने क्या देखी है, देखिए ये इन्होंने नहीं देखी होगी ऐसी हैट, ऐसी हैट कहाँ देखी होगी ये देखिए। भाई साहब ये गिव अवे करने वाला है ये हैट, जो भी भाई कमेंट में लिखेगा कि हमने मैंने नहीं देखी ऐसी हैट उसको हम देंगे और कर देंगे मोहम्मद रमजान के महीने में, वो भी मोहम्मद रमजान के महीने में हम दान करने वाले हैट। तो ज्यादा अगर कुछ बोलेंगे पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा मुंह से, क्योंकि रोजा चढ़ा है इतना। तो हम अब बाद में व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी गायें जो बाहर निकाली थी चरने के लिए वो कहीं और चले गई, जब ये ढूंढ के लाएगा उसके बाद हम आपको गाय दिखाएंगे। कम से कम 200 गायें रखी है आसिफ साहब के पास, 200 काफ़ी शौकीन है पेट्स का, ये 200 गायें हैं इसके पास, मेरे पास 200 कबूतर है और इसके पास 200 गायें हैं। अगर भेड़ बकरियों की बात करेंगे हम, इसके पास कम से कम 400 प्लस हैं। तो शाम को आएगा पूरा झुंड, तो हम दिखाएंगे आप लोग को पूरा झुंड शाम को। तो इसलिए अभी फ़िलहाल बने रहे आप व्लॉग में। भूख बहुत ज़्यादा लगी आज यार, पता नहीं क्या हो रहा, सुबह तो बहुत कुछ खाया था लेकिन अभी दो बज रहे दिन के, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी क्योंकि रमजान का महीना रोजा रखा हमने। तो दोस्तों जो कुछ टाइम पहले आपके साथ वादा किया हुआ था वो हमने ढूंढ के लाए भेड़, और ये हमारा रहा गवाला। भेड़ों के पीछे ये देख सकते हैं आप, क्या मजे भाई। और ये एक और बंदा ऊपर बैठा हुआ है, ये भी अपने भेड़े चरा रहा, और ये हमारे साथी जो अभी तक व्लॉग में था पहले। हेलो सर, सर हेलो 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 सर, ये सर ये जो भेड़ रखे आपने, ये शौक कहाँ से आपको आया कि ये भेड़ रखने का? ये शौक अचानक पड़ गया, हमने देखा कि फिर अचानक से शौक आ गया कि हम भी रख लेते हैं, देखते आजमाते हैं जरा। अब शौक है तो लाचारी किस चीज़ की, रखिए फिलहाल देखेंगे आप।
शौक खत्म हो जाएगा तो बेच देंगे हम। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि आपने मेरे साथ कंपटीशन की, इसने 300 कबूतर रखे मैं भी 300 बेड रखूंगा? वो बात तो है, मैं तो आपसे बढ़कर हूँ, तेरे पास सिर्फ कबूतर है, मेरे पास बेड है, बकरियां है। भाई तेरी बेड क्या है, तेरी बेड क्या है? मेरा कबूतर आसमान की फिजाओं में उड़ता है, ऊपर ठंडी हवा पीता, तेरी बेड इधर जमीन पे रेंगती है, दूध देती है एक डांग का, क्या मुकाबला करे? मेरा कबूतर 2 अंडे देता है 16 दिनों में, तेरी तो 5 महीने लगते हैं एक बच्चे निकालने, मेरा तो 20 दिन में 2 बच्चे निकाल लेता है। बच्चे बच्चे का फर्क है ना। बस आज के व्लॉग में इतना ही, क्योंकि लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ वापस घर। बाकी मिलते हैं अगले और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।